कम दाम में दवाइयां लोगों तक पहुंचाने के अच्छे उद्देश्य के साथ जेनेरिक मेडिसिन को इंडिया में लाने के लिए अपनी शर्त पर दस्तखत करने यहां आई मिस एंजेलिना जी की हत्या की गई है। इसका मुझे बहुत दुख है। इस हत्या की तहकीकात पुलिस कर रही है। अभी के लिए ये जेनेरिक मेडिसिन का समझौता अस्थाई रूप से रोक दिया गया है। जो भी करना ध्यान से करना। सिद्धार्थ से सावधान रहना। सावधान रहने की जरूरत मुझे नहीं, उसे है। भले ही बुलेट मुझे लगी है लेकिन चोट उसे पहुंची है। 20 सालों में जो अंधेरे में था उसे 2 दिनों में बाहर लिया है। सावधान तो अब उसे रहना होगा। तू बेफिक्री रहेगा लेकिन तेरे लिए कोई अंदर आए बिना बाहर परेशानी खड़ा है। परेशान किस लिए, मैं तो ठीक हूं। बुद्धू कहीं का, पता नहीं ये कब समझेगा। चाबियां मुझे देकर जाओ। जी। ड्राइवर को क्यों भेज दिया? जो तारीख बोला था उससे पहले ही आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है। राजा, धीरे चंद्र को और जयंत सूरी को रिलीज करवा दिया है, उन पर से LLR भी हटवा दिया है। FIR। जो भी आर हो राजा, ऐसे क्यों देख रहे हो राजा? जो तुमने कहा था वो मैंने किया ना। दोपहर में लंच किया था। किया था राजा। मैंने कहा था करने को। सॉरी राजा। क्या सॉरी, पूछ के करने को कहा तो हर चीज पूछ पूछ के ही करोगे। नाराज मत हो राजा, तुमसे पूछे बिना मैं खुद फैसले लेकर गलती करने के बजाय तुमसे पूछ कर गलती करने में एक अलग ही खुशी मिलती है राजा। तुमने बचपन से तो ये चाबी भरी हुई है ना। पहला, कहीं बाहर जाते समय सर उठाकर छाती चौड़ी करके जाना चाहिए। दूसरा, हंसना जरूरी होने पर भी किसी भी हालात में ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। तीसरा, तुम्हारे बताने तक मेरा मुंह खुलना नहीं चाहिए, तब जाकर दुनिया मुझे बुद्धिमान समझेगी। अब तक तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। सडनली बदलने के लिए ये कोई गमछा थोड़ी ना राजा, करेक्टर है ना। आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या? है क्या? नहीं है? तुमने मुझे जो लिस्ट बोली थी उसमें नहीं है तो मैं लिख लूँ क्या? पापा, इवन अ स्पैरो हैज अ बिगर ब्रेन देन यू। स्पैरो। ये क्या है सर, पोस्टिंग लेकर 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, हमको ही अंदर कर दिया। सोचो तो लगता है वो तो आपके पिताजी के दिमाग की वजह से बाहर आ गए। आपने मना किया इसलिए रुक गए, वरना मैं उसे तो हॉस्पिटल में ही मार देता हूँ। उसने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया पता है? नहीं पता सर। जानते हो मैं स्विट्जरलैंड क्यों गया? नहीं सर। वो जानता है। तुम तीनों मेरे लिए काम करते हो, तुम्हारा भाई अब्बास जानता है? नहीं सर। लेकिन वो जानता है, पहली बार मुझे किसी ने अंधेरे से बाहर निकाला है। एक छोटा सा फॉर्मूला पता लगाने के लिए सारी उम्र लग जाती है। ऐसे में सिद्धार्थ अभिमन्यु के फॉर्मूले का उसने पता लगा लिया है। ऐसे इंसान को हॉस्पिटल में मारोगे? तू यहाँ क्या कर रहा है? इसे मैंने बुलाया है। उसका नाम ध्रुवा है, उसके माँ बाप नहीं है, अकेला है। पुलिस उसका पैशन है, जैसे आपका रिसर्च लैब है वैसे उसका भी एक लैब है। आइडिया कोई जिंदगी बनाने के लिए ना, और मैं आपको ही फॉलो करूंगा। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उन सबको बिना कोई लिहाज किए मैंने अपने पैरों तले कुचल दिया है। लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे खत्म करने के लिए मेरी पूरी लाइफ की स्टडी की है। मेरे माँ बाप कौन है, कहाँ बड़ा हुआ, कौन सी पढ़ाई की, मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर प्लान्स सब कुछ एनालाइज किया। अब
अपने दुश्मन के बारे में बताओ, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। सारे चीजों के साथ ये चीज भी कलेक्ट की है पापा। बापरे, क्या डेरिंग दिखाई है ना। शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। शायद राजा बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। उसका नाम बताओ, उस एरिया काउंसलर को उसके घर भेज के करंट कनेक्शन, वाटर कनेक्शन कट करवा दूंगा। राजा, उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड भी रद्द करवा दूंगा। उसका पासपोर्ट कैंसिल करवा के दिल्ली जाने पे भी रोक लगा दूंगा। दिमाग बेटा, दिमाग। इम्प्रेसिव, उसकी कैपेसिटी पता लगाऊंगा। क्या एक और सर्जरी करना जरूरी है डॉक्टर? बिल्कुल है। सॉरी मिस्टर ध्रुआ, देयर हैज बीन अ स्मॉल कॉम्प्लिकेशन। आपका ऑपरेशन हुआ था, वहाँ ब्लड क्लॉट हो गया है। सर्जरी करके उस क्लॉट को हटाना होगा। डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज होना है, मुझे बहुत काम है। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर ध्रुआ, इट्स अ वेरी स्मॉल सर्जरी। कल सुबह ही डिस्चार्ज कर देंगे, लेट करने से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। प्लीज। ओके डॉक्टर। क्या हुआ सिद्धार्थ? व्हाट, क्या बोल रहे हो? सिद्धार्थ आया था। ध्रुवा, ध्रुवा, ध्रुवा क्या हुआ बताओ? नहीं, नहीं, मैंने देखा उसे। तू चल ना यहाँ। कोई नहीं है यहाँ। ध्रुवा तुम अंदर चलो, तुम्हें चोट लगी है। सर, सर, क्या कर रहे हैं सर? सेडेटिव दिया है ना सर, आप अंदर आइए प्लीज। नशे में ये सब बोल रहे हो? मुझे पता है सिद्धार्थ आया था। चलो अंदर चलो। कोई नहीं आया, कोई नहीं है। तुम नशे में कुछ भी बोल रहे हो। अब तुम आराम करो। नशे में नहीं, रश्मि को आया था। कोई नहीं आया था यार। मैं सच कह रहा हूँ, वो आया था और उसने मुझे देखा। डॉक्टर राम वर्मा, ये एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है। अगर आप इसे उसके बॉडी में इम्प्लांट कर दें, तो मैं 24 घंटे उसे मॉनिटर कर सकता हूँ। लाइव ऑडियो भी सैटेलाइट के जरिए सुन सकता हूँ। इससे वो कहाँ है, किससे मिल रहा है, क्या प्लान कर रहा है, क्या बात कर रहा है, मुझे क्लियरली पता चल जाएगा। इंडिया में नहीं है। अगर वो यहाँ आया होता ना, तो तुझे मारे बिना नहीं जाता। उसके बारे में सब जानने के बाद भी मैंने एक वजह से उसे जिंदा छोड़ रखा है, तो मुझे भी ना मारने के पीछे उसके पास कोई तो वजह रही होगी। विशिका, मेरी कार आ रही है। ये भी कार ही है, इसके भी व्हील्स हैं, स्टीयरिंग भी है। चलो। गौतम जरूरी काम से शमशाबाद गया है, तुम्हें बताने को कहा था। मैंने भी उसका मैसेज देखा। बोलो बोलो, जितना थैंक्स बोलना है बोलो। लवर्स के बीच नो थैंक्स नो सॉरी। हे डार्लिंग। हाय। वैसे हम लवर्स नहीं है ना? अंकल आए हैं, ही इज वेटिंग फॉर यू, लेट्स गो। 2 मिनट्स। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि नेक्स्ट डोज लेने तक ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं घर जाकर अभी आती हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं। उसे क्यों निकाल रहे हो? मुझे काम है, मुझे जाना है। दिमाग खराब है? अभी आए और अभी जाने की बात कर रहे हो? इशिका, बहुत जरूरी काम है, तुम जाओ। हमेशा अपनी मर्जी चलाओगे? क्या है, क्या है इतना इम्पोर्टेंट? जब मैं हॉस्पिटल में था, तो सिद्धार्थ के बारे में एक कॉल आया था। एक लड़की जो लापता है, उसके जरिए मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी सोचा था। बाद में पता चला वो लड़की लापता नहीं है, उसका रेप करके मार दिया गया था। कौन है वो लड़की? साइंटिस्ट अक्षरा। पता था उस रेप के पीछे कोई ना कोई जरूर मोटिव होगा, इसलिए उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बुला के इंक्वायरी की। उसका नाम है कमल। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चार लोगों ने बेरहमी से रेप करके मार दिया, और फिर भी तुम्हें कुछ पता नहीं? सर, सच में मुझे कुछ नहीं पता सर। जब मैं हॉस्पिटल में था, मुझे उसका कॉल आया। सॉरी सर, उस दिन आपसे झूठ कहा था। समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करूं। अब आप पर भरोसा है सर? सर, अक्षरा मेरी जान है, वो सिद्धार्थ की मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट का काम करती थी। उस लड़की का बेरहमी से रेप करके मार दिया सर। सर, उसने मुझे एक एसडी कार्ड भेजा था। सर, उसमें उसने सिद्धार्थ के बहुत से अपराधों के बारे में बताया है। मैं आपको वो एसडी कार्ड दे दूंगा, आप उसे सजा दिलवाइए सर, प्लीज। जब तक मैं तुमसे दोबारा ना मिलूं, इस बारे में किसी से बात मत करना। अब उस कमल से मिलने के लिए उसके कॉलेज गेट तक जा रहा हूं,
और अगर वो एसडी कार्ड मेरे हाथ लग गया तो सिद्धार्थ का खेल समझो खत्म। दुनिया आपको एक अच्छा इंसान समझती है सर। सर प्लीज सर, अगर ऐसी मेडिसिन की खोज हमारे देश ने की तो दुनिया के सारे मेडिकल इंडस्ट्रीज अपने देश के गुलाम बन जाएंगे सर। तुम सारी दुनिया को इंडिया का गुलाम बनाना चाहती हो और मैं इंडिया को गुलाम बनाना चाहता हूँ, बस सिंपल। ऐसा करना आपको गलत नहीं लगता? ख्वाहिश जगा कर देखो, कुछ भी गलत नहीं लगता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी सर, मैं आपके बारे में सबको बता दूंगी। आप जेनेरिक मेडिसिन को रोकने के लिए स्विस कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं। आपके असली रूप के बारे में एंजेलिना मैडम को बता दूंगी। मेरी एक बुरी आदत है, ये बात किसी से मत कहना। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं ये नहीं बोलता। आप चाहे मेरी जान भी ले ले, लेकिन मैं आपके सच को बाहर ला कर रहूंगी। सर प्लीज सर। स्ट्रेंज, उसके बारे में पता लगाने के लिए बग लगाया था, लेकिन मेरे बारे में पता चल रहा है। मेरी गलतियों को वो मुझे दोबारा याद दिला रहा है। हाउ स्टूपिड एम आई। सोचा था अक्षरा का केस क्लोज हो गया है, उसका बॉयफ्रेंड भी है, ये पता नहीं लगा पाया। गलती कर दी सिद्धार्थ। राजा तुम और गलती। वो मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा एम्प्लॉई है। मेरे खिलाफ क्या हो रहा है ये पता लगाकर मुझे बताने वाला बिना तनख्वाह का इन्फॉर्मर है। देख लेंगे, देख लेंगे। मैं देख लूंगा। तुम ही देख लेना। लंच करें क्या? एसडी कार्ड कहाँ है? बताओ। हाय ध्रुवा, कैसा है? गौतम, तुम शमशाबाद में ही हो ना? हाँ, क्यों? किसी जरूरी काम पर हो क्या? छोटा सा चोरी का केस है, तुम बताओ। ओके लिसन, कमल 25, मीडियम बिल्ट, उसके पास एक एसटी कार्ड है, उसमें सिद्धार्थ के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। वो मुझे देने वाला था। एक्चुअली हमारी बात हुई थी कि वो जो सीएमआर कॉलेज में पढ़ता है शमशाबाद से 15 किलोमीटर दूर, वो वहीं मुझे मिलेगा। अब वो फोन नहीं उठा रहा। I suspect something is wrong. छोटी सी हेल्प चाहिए। या शिव, आगे बोलो क्या करना। अगर मेरे जाने के बाद वो यहाँ आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। So 24/56 बैंक स्ट्रीट मथुरा नगर, ये उसका एड्रेस है, तो मैं पर्सनली जाकर उसे मिलना है। हाँ ठीक है, आई एम गोइंग राइट नाउ। थैंक्स गौतम। कॉल अब्बास। अब्बास, गौतम नाम का पुलिस वाला वहाँ आ रहा है, एसडी कार्ड उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। यस सर। अबे पुलिस आ रही है, जल्दी कर। कब से पूछ रहा हूँ, बता एसडी कार्ड कहाँ है? एसडी कार्ड कहाँ है? कमल, कमल, इसे किसी भी हाल में ध्रुवा सर को जाके दे दीजिए, किसी भी तरह दे दीजिए सर। तुम्हें कुछ नहीं सर, मार दूंगा। दे वो एसडी कार्ड, दे। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे, एसडी कार्ड दे दे, नहीं तो मार दूंगा। कुछ मत करो उसे, छोड़ दे, मैं दे दूंगा सर। अक्षर ही आपकी वॉइस थी सर, प्लीज सर, दीजिए सर, प्लीज सर, मत दीजिए। कमल, 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 कमल।
यस अब्बास। सर वो पुलिस वाला भाग गया। वो एसटी कार्ड उसी के पास है, लेकिन कैसे भी करके मैं उसे पकड़ लूंगा। डैम इट। ध्रुआ। ए, क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रहे? या होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन अब्बास। सॉरी यार, मैं कमल को नहीं बचा सका। वहाँ बहुत कुछ हो गया यार। एसटी कार्ड मेरे हाथ में देके वो मर गया। तू कहाँ मिलेगा? तुम गच्ची बोली की तरफ आओ, मैं वहीं आकर के एसटी कार्ड ले लूंगा। ओके अब्बास, गच्ची बोली की तरफ आओ, मैं कॉल करूंगा। किलोमीटर आगे मिलता तो वहां केमिकल फैक्ट्री में तुझे मारकर केमिकल में मिला। कुछ महीनों में यह नई फैक्ट्री ओपन करने वाला हूं और उसका मुहूर्त तेरी मौत से होगा। मैंने जो क्राइम किए हैं उनमें से यह 0.0001% है बस। पिछले 20 सालों में मैंने बिजनेस पे जितना फोकस नहीं किया, क्राइम करने के बाद उसके निशान मिटाने पर ज्यादा फोकस किया है। मेरे छोड़े हुए किस अणुओं से निकल कर आया है वो ध्रुवा। तेरे छोड़े हुए अणुओं से नहीं, तेरे नेटवर्क का नामो निशान मिटाने के लिए पैदा हुआ है ध्रुवा। अरे ज्यादा सपने मत देख, उसका फ्यूचर तुम्हें मैं बताता हूँ। सुन, उसके आसपास के लोगों को दूर करके उसके इमोशन पर वार करूंगा और उसे पागल बनाकर खत्म कर दूंगा। चांस ही नहीं है ध्रुवा को तुझे खत्म करने के अलावा कोई इमोशन नहीं है। अबे मैं बोल रहा हूँ, तेरा बुरा टाइम आ गया है, तेरा बुरा टाइम आ गया है, लिख के ले ले तू। टाइम टाइम आ गया है तेरा टाइम, अब तू खत्म। तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। सर पूरी बाइक छान मार ली, एसडी कार्ड कहीं नहीं मिला। एसडी कार्ड कहाँ छुपाया है? कहाँ छुपाया है एसडी कार्ड? कहाँ है? बोल अब्बास। मंगना अब्बास, इससे कोई फायदा नहीं। अब हम इसी के मोबाइल से मैसेज भेजकर इसके सर को बुलाते हैं। गौतम, 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 गौतम। Anam!
आना।